समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय के एक गांव की रहने वाली सोनम आर यादव आज अपने कला के माध्यम से आज लाखों लोगों के दिल में है। दलसिंहसराय के गांव के साधारण घर में रहने वाली सोनम आर यादव आज काफी चर्चे में है। बताया जाता है कि सोनम शुरू से ही गाना गाने के प्रति अपनी रुचि रखती आ रही हैं। वहीं जब हम सोनम से इस बारे में बात की तो बताया गया कि शुरू से ही मेरे पापा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमें इस मुकाम तक लाने में। सोनम ने बताया कि हमें काफी लोगों का प्यार भरा आशीर्वाद मिला। सोनम की बहुत सारे गाने हैं जिनको कि लगभग 76 लाख लोगों ने देखा। सोनम आर दिन अपना एल्बम गाना लोगों के बीच लाते रहती हैं और साथ ही साथ सोनम अपनी पढ़ाई भी करती रहती हैं। सोनम अभी 7वां क्लास में पढ़ती हैं, साथ ही साथ गाना गाने का भी काम करती हैं। सोनम ने बताया कि इसी तरह लोगों का प्यार भरा आशीर्वाद मिलता रहे तो एक दिन बड़े मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मैं सोनम आर यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट गांव दलसिंहसराय से हूँ और मुंबई में रहती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही करती हूँ और अभी 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ गायकी भी करती हूँ और मेरा बहुत सारा एल्बम मार्केट में आ चुका है और सबसे पहले मेरा एल्बम आया था माँ का भजन सोनम आई एल्बम आई के दरबार और इस गीत को सब लोग ने बहुत पसंद किए, पब्लिक ने बहुत आशीर्वाद दिए तो मैं चाहूँगी आप सभी को ये सॉन्ग दुल्हन को गुनगुना दो। अच्छा, इस लाइन में आपको आने की रुचि कैसे हुई थी? पटना से लाई दो चुनरियन हो चुनरिया देवी माई के चढ़ी पटना से लाई दो चुनरियन हो चुनरिया देवी माई के चढ़ी तगावे आइल बारी तगावे आइल बारी सीताली मायरियन हो चुनरिया देवी माई के चढ़ी तगावे आइल बारी सीताली मायरियन हो चुनरिया देवी माई के चढ़ी। एल्बम है जो मैं गाई थी। इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर आपस में ही? जी कहीं भी नहीं, यानी इसके आप अभ्यास करते ही? हाँ बस, और पापा सिखाते हैं। पापा को इतना कुछ गायकी के बारे में मालूम नहीं है लेकिन पहले से पापा को गाना सुनना बहुत पसंद है। पापा बोलते हैं मुझे गाना सुनना बहुत ही पसंद है तो बस कुछ कमी रहता है तो पापा बताते हैं, बाकी खुद से करती हूँ। यानी पिता की ख्वाहिश को आप पूरा करने में लगे हुए हैं। जी, आगे इसके लिए क्या सोचे हुए हैं? बस यही सोचे हूँ कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। यानी अपना फ्यूचर गायकी लाइन में बनाना चाहते हैं? जी। आपका अभी तक कई सारे एल्बम लॉन्च किए हैं, उनमें इस बार आप कोई और एल्बम लॉन्च करने वाली है या फिर पिछले वाले? जी अभी रक्षाबंधन का सॉन्ग आएगा, एक आया है मेरा अभी नया। सावन पे कोई सॉन्ग आया है आपका? जी बोलबम सॉन्ग आया है कांवड़ भजन, उसके लिए दो लाइन बोलना पसंद करेंगे? मिसरी मलाई तनिको मिसरी मलाई तनिको भावे ना अहरवा में कवन सुखवा मिले बाबा भंगिया धतुरवा में। जी पढ़ाई मैं सीनियर से की और मुंबई में ही पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी लेकिन कुछ पढ़ाई में हुआ नहीं अच्छे से तो फिर पापा मुंबई लेके चले गए। छोटे से अभी मुंबई में ही पढ़ती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ करके भी करती हूँ। आपके पापा जी करते क्या हैं? जी बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं। यानी आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी सिंगर लाइन में आना चाहते हैं? मैं सोची नहीं थी कि मैं
सिंगर बनूंगी या फिर गाऊंगी। पहले तो मैं सोची कि मैं टीचर बनूंगी पढ़ाई लिखाई करके, फिर सोची कि आर्टिस्ट बनूंगी, ड्राइंग बनाऊंगी, और ड्राइंग मुझे अभी भी बहुत पसंद है, बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही गुनगुनाते गुनगुनाते पापा को बोली, पापा मुझे गाना गाना है। तो पापा बोले कि गाना गाना इतना ईजी नहीं है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फिर पापा ने मेरा फेसबुक पेज बना दिया, तो उस पर पापा बोले कि गाना गा, अगर पब्लिक पसंद करते हैं तो, और मैं सोचूंगा और आगे बढ़ूँगा। तो मैं सबसे पहला गाना गाई थी, मिले हो तुम हमको फेसबुक पे, तो सब लोगों ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिए। और तो मैं चाहूँगा कि आप जो पहला गाना गाए थे दो लाइन गुनगुनाएंगे। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीबों के। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से। अभी आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, तकरीबन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की दर्शक आपके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है सबका प्यार देखकर, आशीर्वाद देखकर। और मेरा एक छठ गीत आया था, माई काहे गोद सुनाबा, तो ये सॉन्ग से मुझे पहचान मिला दर्शक का और इतना प्यार मिला। तो ये सॉन्ग मैं चाहती हूँ आप सभी को सुनाऊं। होई कि सुहागिन बानी छठ माया भागिन, होई कि सुहागिन बानी छठ माया भागिन, बजिन परल बट नमवा होए गो दे दा बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गो दे दा बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गो दे दा। कहीं से किसी फिल्म के लिए ऑफर आए तो क्या आप उसमें करना पसंद करेंगे? बिल्कुल। इसे बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जी आपकी घर की हालत काफ़ी ख़राब है, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी आप अपने पिता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरना चाहते हैं, आगे क्या सोचे हुए हैं? बस सोची हूँ कि और मेहनत करूँ, और मेहनत करके कुछ करूँ अपने पापा के लिए। इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने चाहेंगे या फिर आप खुद ही तैयार करना पसंद करेंगे? मैं अपने से करूँगी खुद ही, और कुछ कमी रहेगा तो पूछने वाले मेरे पापा हैं, बता देंगे मुझे। क्योंकि ये कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, आप इस मुकाम से पहुँचे, लेकिन किसी न किसी को तो गुरु बनाना ही होगा, आपके गुरु कौन होंगे अभी बता सकते हैं? अभी मैं सोच ही नहीं हूँ कि मेरे गुरु कौन होंगे, बताने वाले बहुत हैं लेकिन कोई ठीक से नहीं बताता। अभी तक जो सीखे हैं इसके बारे में बताएंगे, आपके कौन गाइडलाइंस या आपके कौन गुरु हैं? जी कोई भी गुरु नहीं है, मैं अपने आप से सीखी हूँ और मेरे पापा मुझे सिखाए हैं। यानी अभी तक के माना जाए तो आपके पिता ही आपके गुरु हैं। लास्ट में चलते चलते दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आप लोग मुझे इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं और ऐसे ही देते रहिए।